आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मोमदीगिरी थाना की रेहरिया चौकी में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साह के निर्देश में दिन बुधवार को आरक्षी आवास कार्यालय भवन का उद्घाटन कराया गया है। अधीक्षक के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर फीता काटकर उद्घाटन किया और वहीं गणेश प्रसाद साह के द्वारा कहा गया कि रेहरिया क्षेत्र की जनता अति मिलनसार व लोकप्रिय है। वहीं जोगिंदर सिंह के द्वारा शॉल उड़ाकर ट्रॉफी देकर गणेश प्रसाद साह को सम्मानित किया गया। इस क्रम में मोहम्मद सलाम खान ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। थाना प्रभारी अंबरलाल सिंह ने टेढ़े नाथ बाबा की प्रतिमा देखकर गणेश प्रसाद साहजी की सम्मानित किया व रेहरिया चौक इंचार्ज अभिषेक पांडे के द्वारा साल उड़ाकर के टेढ़े नाथ बाबा जी की प्रतिमा देवकर सम्मानित किया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे क्षेत्र अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा को ग्रंट शाहबगंज पूर्व प्रधान कुलविंदर सिंह के द्वारा सौल उड़ाकर के सम्मानित किया गया और थाना प्रभारी अंबरलाल सिंह को शरण सिंह भुलक्कर समाज सेवी ने सौल उड़ाकर के सम्मानित किया। चौकी इंचार्ज अभिषेक पांडे को पलविंदर सिंह सरदार जी पैरिस के प्रबंधक ने सौर उड़ाकर के सम्मानित किया है। कार्यक्रम को संचालन राम कुमार कश्यप ने किया। थाना प्रभारी अंबरलाल सिंह व चौकी प्रभारी अभिषेक पांडे के द्वारा आए कार्यक्रम में सम्मानित व्यक्ति व वृद्ध व्यक्तियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया और एक नई अलग पहल देखी है। रेहरिया पुलिस चौकी पर कार्यक्रम का समापन राजापुर बैने मंडल अध्यक्ष राम भरोसे वर्मा के द्वारा किया गया। इस मौके पर जोगिंदर सिंह, केसर सिंह, मोहम्मद सलामपुर प्रधान, कुलविंदर सिंह प्रधानपति, सुदेश कुमार प्रधान, गुरपाल सिंह क्षेत्रीय सम्मानित लोग सैकड़ों की संख्या में समस्त मीडिया कर्मी मौजूद रहे। और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों की जो मेहनत मुझे दिख रही है और सहयोग दिख रहा है, इसके कारण छोटी सी जगह पे एक खूबसूरत चौकी का जो मैं देख रहा हूँ अरेंजमेंट हो पाया है, कार्यालय है, डायरेक्ट व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं एक सजग समाज को दर्शाता है जो न सिर्फ अपने बारे में सोचता है बल्कि हमारी पुलिस व्यवस्था के बारे में। कोई भी जो पुलिसिंग होती है चाहे वो थाना और चौकी हो, जन सहयोग से एक अभाव की वजह चल सकती है और यही बात हम पर भी लागू होता है कि हम भी आपका हमेशा सहयोग करें और ये सहयोग भावना का एक सबसे अच्छा उदाहरण मुझे रहेंगे क्योंकि वो देखने को मिल रहा है कि सबसे यहाँ के जो कपिल गार्ड है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और यहाँ के थाना प्रभारी को भी और उसके साथ को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो व्यक्तिगत रुचि ली है। और आप जान रहे हैं कि जो ये रोड के बगल का चौकी है और ये चौकी में जो होते हैं जो भी कर्मी होते हैं तो उनके सारी व्यवस्था अच्छी होती है, निसंदेह उसके कार्य उत्पादन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। विशेषकर कार्यालय, बैरक, भोजनालय और शौचालय ये कुछ ऐसी बातें होती है जिनकी आवश्यकता हमेशा सबको रखने पड़ती है। तो मुझे पूरी खुशी है और मुझे बहुत ही ऐसा कि कार्यक्रम जो है एक जगह और भी लगा हुआ था लेकिन आपका प्यार है और आपके जो मतलब कि आपने जो चौकी के लिए किया है वो मुझे रोक नहीं पाया। मैंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी मैं यहाँ आने का सोचा कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप लोग ऐसे ही चौकी और थाने का सहयोग करेंगे और आपकी जो उम्मीदों पर है उम्मीदों पर हमेशा हमारे चौकी के विचार और थाना प्रभारी खड़े करेंगे और जहाँ पे भी हमारे सहयोग की जरूरत है मैं आपके साथ। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।